हाय, माय नेम इज विकी और ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट वीडियो है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही इससे निकल पा रहा हूँ। तो मरने से पहले एक मैसेज है आप सभी के लिए, इस वीडियो को पूरा देखना। एक्चुअली मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, ठीक वैसे ही वो मेरी केयर करती है। वो मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो दूसरे रिलीजन की है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जब ये बात मैंने पेरेंट्स से बोली तो उन्होंने कहा कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कि तुझे सिर्फ एक वो ही लड़की मिली है और मर गई है क्या? क्या किसी से प्यार करना गलत है? मेरे पास कुछ कहने को नहीं है क्योंकि घर वाले ही नहीं समझते तो फिर क्या कहा जाए। हमारे देश में लोग भागकर इसलिए शादी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को ही मरवा देते हैं अपनी इज्जत के लिए। कैसी इज्जत जब तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है, छोटी बड़ी सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी करते हो, बट उसके लाइफ पार्टनर की बात आती है तो आप उसे ये हक छीन लेते हो। क्यों? मेरा बाबू जब इस वीडियो को देखेगा तो बहुत नाराज होगा मुझसे। और प्लीज बाबू रोना मत, बच्चा आपका मरता है क्या? पड़ोसी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाले, रिश्तेदार आपके साथ रहने वाले, आपका बच्चा ही तो आपके खिलाएगा, बुढ़ापे में वो ही तो सहारा बनेगा, तो फिर क्यों? रातों को नींद नहीं आती, सो नहीं पाता हूँ, ये चेक करने के पता नहीं क्या होने वाला है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। कुछ लोग कहेंगे कि अपने पेरेंट्स के लिए उसे प्यार को छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं बट जिंदगी किसी के साथ भी काटी जा सकती है, लेकिन जिया उसी के साथ जाता है जिसे हम प्यार करते हैं। तो यही मेरी विशेष थी, ख्वाहिश थी कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं। और बाबू आपको मेरी कसम है कि आपको रोना नहीं है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसे पूरा करना है। मैं जानता हूँ कि ये मैं गलत कर रहा हूँ बट और बच्चे ऐसा ना करें, इसलिए ये मैसेज देके जा रहा हूँ। एंड जिसे भी ये वीडियो मिली प्लीज़ फाहद को ज़रूर देना, और मेरे दोस्त फाहद अपना सफ़र यहीं तक ना, माफ़ कर देना मुझे यार, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। सॉरी मम्मी पापा, आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपने क्या किया और मैं ये क्यों कर रहा हूं। ओके लव यू, समय आ गया है जाने का। मेरे पास ये टेबलेट है, फाद मेरे दोस्त,
इस वीडियो को किसी भी हाल में अपलोड करना है यूट्यूब पर, मुझे माफ कर देना यार, और आगे तुझे ही काम करना है, काम रोकना नहीं है, तुझे ही जाना है, ठीक है। मेरे लिए तेरे बारे में कुछ और शब्द नहीं है, तू बहुत अच्छे इंसान है, जब भी मैं किसी भी परेशानी फंसता हूँ तो तू ही हमेशा मेरे साथ आता है, आगे आता है, बट ये मुझे ही करना होगा, सो ख्याल रखना अपना तुम्हें, बाबू आई लव यू। सबका साले वाला आज सबको रुलाकर चला गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। कल ही तो मिलकर आया था उससे, बहुत समझाया था कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो छोड़ ही, सब खत्म कर। और एक नई शुरुआत कर। कोशिश की उसने बदलने की खुद को, और बदला। लेकिन ये साला जो प्यार होता है ना, अंधा ही होता है। चला गया। और इसके जिम्मेदार घर वाले हैं, ना कि वो खुद। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझे, उनकी खुशियों को समझे। उनकी खुशियों का गला ना घोटे। बात भाई चाय गाइस, ये एक प्रैंक है और इसे ज़्यादा सीरियसली ना लें, और इस वीडियो को जितना हो सके आप इंजॉय करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ, और जो लोग प्यार करते हैं वो ऐसा ना करें, नहीं मिलता है तो दूसरे पे ट्राई करें। तो एक बार कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो जिसे प्यार करता है वो उसे मिल जाए, बस इतनी ख्वाहिश है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को न्यू नहीं न्यू बाय बाय। चले, धूप हो रही है बहुत, काला हो जाऊंगा। म्यूजिक